हे एवरीवन, सो हम लोग आ गए थे घर वापस और अब हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार जगह। वी आर गोइंग टू डेजर्ट सफारी और बस आई थिंक आधे घंटे में हम लोगों को जो उनकी कार होती है वो पिकअप करने आ रही है। सो लेट्स गेट रेडी एंड आई विल टेक यू अलोंग। सो मैं हो गई हूँ रेडी। आई एम वेयरिंग दिस वेरी लूज टी शर्ट एंड जीन्स। उसके अलावा आई एम नॉट डूइंग एनी मेकअप क्योंकि डेजर्ट जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है वहाँ जाके। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू अप्लाई गुड अमाउंट ऑफ सन ब्लॉक और वही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। सन यूजिंग दिस वन, ये वैसे बच्चों के लिए है बट मेरे पास अभी फ़िलहाल यही है बचा हुआ। सो आई एम अप्लाइंग जेनरस अमाउंट और इसको ब्लेंड करने में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो एक मैं ये लगाऊंगी एंड इसके अलावा आई विल ऑल्सो अप्लाई नाइस टिंटेड लिप बाम। मैं रेडी हो गई हूँ और अब यहाँ पे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय बैग। सो उसके लिए देर आर सर्टन थिंग्स जो मैं डेफिनेटली कैरी करने वाली हूँ अपने साथ। एंड अभी तो काफ़ी गर्मी है, लुक एट द सन आउटसाइड, बट बहुत तेज़ ठंड हो जाएगी वहाँ पर डेजर्ट में शाम को। तो उसके हिसाब से आई एम पैकिंग बच्चों की जैकेट्स। लेट मी शो यू। यहाँ पर मैं ये कविश की, काव्या की जैकेट्स रख रही हूँ अपने बैग में। राइट, इसके अलावा आई हैव माई वॉलेट जो मैं बीच में दबा रही हूँ यहाँ पे। अरे जाओ। इसके अलावा सैनिटाइज़र यहाँ पे, सैनिटाइज़र, माई लिपस्टिक, कोम, एक बैंडेड, एक ही लिपस्टिक चाहिए बॉस, एक मिंट है और पेन किलर पैरासीटामोल रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट माई सन ग्लासेस और ये मैं मेरे लिए एक स्टोर टाइप का है, काफ़ी वार्म है सो मैं ये भी इसमें रख रही हूँ। उसके अलावा आई एम कीपिंग एन एक्स्ट्रा स्क्रंची। वैसे तो मैंने मेरे बाल बांध लिए हैं बट फिर भी जस्ट इन केस। सो ये हो गया मेरा बैग रेडी और मैं भी हो गई हूँ रेडी। और यहाँ पर ये बच्चा कोने में बैठ के क्या कर रहे हो तुम? यस यू, व्हाट आर यू डूइंग? कम लेट्स गेट रेडी नाउ। वेयर योर शूज नाउ, वी आर गोइंग। अरे फोन उठा के ऊपर रखो बाबा, लॉक इट, लॉक कर दो, बंद कर दो। हाँ बंद कर दो। थैंक यू। बिकॉज वी आर गोइंग आफ्टर वी कम बैक। वेयर आर वी गोइंग? अरे चलो तो सही।
It was so crazy. इतनी गर्मी है नहीं जितनी हमने सोची थी. इट्स गुड, प्लेजेंट, स्टिल प्लेजेंट. धूप भी इतनी तेज नहीं लग रही थी जितनी मैंने सोचा था. सो वेरी एंजॉयबल, वेरी मच फन. नाउ वी आर गोइंग टू द कैंप. क्वाड बाइकिंग एंजॉय करने के बाद में हम लोग पहुंच गए थे अपने डेजर्ट सफारी के लिए. और डेजर्ट सफारी जो है ना, हम लोगों ने 2015 में भी एक बार करी हुई है, बट ये वाली डेजर्ट सफारी वाज सो स्मूथ एंड सो मच फन. जो हमारे ड्राइवर थे वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे. डेजर्ट सफारी के बाद हम लोग यहाँ पर कैंप में पहुँच गए थे एंड वी गॉट द VIP पासेस. सो उसका भी पेमेंट एक्स्ट्रा रहता है. एंड हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन था अपनी सीट चूज़ करने का. सो हम लोगों ने आगे वाली ही यहाँ पर ये सीट चूज़ करी, जिससे सारा स्टेज बहुत क्लियर दिख रहा था. उसके बाद हमारे पैकेज में जो जो चीज़ें फ्री इंक्लूजन में थी, हम लोगों ने वो सारी एक्टिविटीज़ करी. सो उसके अंदर एक ये था कि वी कुड राइड अ कैमल. तो यहाँ पे मैं और काव्या कैमल राइड के लिए आ गए थे. कुनाल एंड कवीश वर जस्ट सिटिंग इनसाइड एंड एंजॉयिंग द फूड. यहाँ पर मैं लगवा रही हूँ मेरे हाथों में मेहंदी, और इतना सा जो है फ्लावर उन्होंने बनाया, ये फ्री था. बट अगर आपको और लगवानी है अपने हाथ में मेहंदी, सो उसके लिए पेड था. बट मी बीइंग वेरी चीप, हम लोगों ने जितना फ्री था उतना सारा किया एंड वी डिडंट पे एनीथिंग एक्स्ट्रा देयर. उस दिन कैंप में अराउंड 1200 to 1500 लोग थे और बहुत जल्दी पूरा एरिया भर गया था. सो अब ये लोग परफॉर्मेंस स्टार्ट कर रहे हैं एंड लेट्स एंजॉय टुगेदर.
इट इज दैट गुड. दिस वॉज द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द शो और उसके बाद जो है हम लोग निकल गए थे घर के लिए. सो हमारे जो ड्राइवर थे वो हमारा वेट कर रहे थे. ही वॉज़ अ वेरी नाइस एंड वेरी काइंड पर्सन. सो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अब घर जाने के लिए और अराउंड 8:45 इस टाइम पे हो रहे थे और जितनी ठंड मैंने एक्सपेक्ट करी थी उतनी थी नहीं. बच्चों को थोड़ा सा लगा तो हम लोगों ने उनके लिए जो जैकेट्स वगैरह थे वो निकाल लिए थे एंड नाउ वी आर हेडिंग होम. जी घर आ गए हम लोग और बहुत ज़्यादा थक गए और मिट्टी मिट्टी हो रही है पूरे फेस पे. सो अभी आई विल गेट रेडी फॉर माई स्लीप. फेस वॉश, हैंड्स वॉश, सब कुछ अच्छे से. और इतनी मिट्टी हम लोग लेके आए हैं घर में. सो कल क्लीन करेंगे वो सब. एंड मैं एक बहुत सुंदर चीज़ लेके आई हूँ वहाँ से, जब आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में या फिर मैं आपको कल दिखाती हूँ. सो अभी का मैं व्लॉग एक्चुअली यहीं पे फिनिश करती हूँ बिकॉज आई एम रियली रियली टायर्ड नाउ. बच्चे मेरे सो गए हैं, कुणाल इज़ वॉचिंग टीवी. थोड़ी देर हम लोग टीवी देखेंगे. वैसे भी बजे 9:10 ही हैं, इतने कोई बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट फिर भी आई एम वेरी टायर्ड. और मिलती हूँ अब आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय एंड जय राम जी की.